कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। अस्सलामुअलैकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम आफरीन, बैठो 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 ना। कमाल ही कर दिया आपने तो। अरे आंखें तरस गई आपको देखने के लिए, बिल्कुल ईद का चांद ही हो गई आप तो। हाँ लेकिन करूँ तो क्या करूँ, इनका इतना बड़ा बिजनेस है, बाहर जाने का वक्त ही नहीं मिलता। और आफरीन बेटा तुम कैसी हो? अल्लाह का फजल है अच्छी हो। और खुशखबरी कब सुना रही हो? इंशाल्लाह सुनाएगी सुनाएगी, बहुत जल्द सुनाएगी। लीजिए शरबत पीजिए, आप भी लीजिए। माफ कीजिएगा मैंने इन्हें पहचाना नहीं। पहचानेंगे कैसे, हम आपसे अभी तक मिले ही नहीं। वैसे हम आपको बता दें, हम सिद्दीकी साहब की छोटी बेगम हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अभी खराब होना था। अरे 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 अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? लीजिए, क्यों रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेचारी कार के साथ, बताइए। लेट हो रहा है मुझे, खराब हो गई है गाड़ी। मिस्टर खान आप भी ना छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते, क्यों भूल जाते हैं आप? अच्छा बताइए कौन खड़ा है आपके सामने? वर्ल्ड्स बेस्ट ग्रेट मैकेनिक जोया खान। मिसेस खान आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। डोंट टेल मी कि आपको मेरे टैलेंट पे डाउट है। देखिए मिस्टर खान, मैं इस दुनिया की कोई भी गाड़ी ठीक कर सकती हूँ, समझे आप? सही कह रही आप, वैसे भी आपको देखे कोई भी कह सकता है कि आप यही काम करने के लिए पैदा थे। मतलब आपको अब भी यकीन नहीं है कि मैं ये गाड़ी ठीक कर सकती हूँ? ट्रस्ट मी मिस्टर खान, मैं ये गाड़ी यू चुटकियों में ठीक कर सकती हूँ, आप यही मेरा वेट कीजिए। आप रहने दीजिए, मैं दूसरी गाड़ी लेके जाऊंगी। आप कहीं नहीं जाएंगे जब तक मैं नहीं कहूंगी, जस्ट वेट। मिसेस खान एंड वॉच, मिसेस खान प्लीज। मिसेस खान, मैं मान चुका हूं कि आप वर्ल्ड की बेस्ट मैकेनिक है, पर वो क्या है कि मैं आपको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा ना। एक काम करता हूं, अपनी हैसियत के हिसाब से एक मैकेनिक को बुला के कार रिपेयर करवाता हूं, आप रहने दीजिए प्लीज। क्या कहा था मैंने? वेट एंड वॉच। नहीं नहीं मेरी बात समझिए। क्यूट लग रही है आप। ओके थैंक यू। आप ऐसा कीजिए मिस्टर खान, आप दूसरी गाड़ी लेके चले जाइए, क्योंकि इस गाड़ी में थोड़ा मेजर फॉल्ट है, टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, वर्ल्ड के इस बेस्ट मैकेनिक का आपसे वादा है, जब आज शाम को आप घर वापस आएंगे तो आपकी ये गाड़ी एकदम ओके मिलेगी।
और हाँ, फेस की फिक्र मत कीजिए, तो मेरे अपने हैं, डिस्काउंट दे देंगे आपको। तुम ये कपड़े पहनकर आई हो? जी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे विदा कर दिया था, कुछ सिखाया नहीं? जाओ जाकर कुछ तहजीब के कपड़े पहन कर आओ, जैसे मेरी बहू अफरीन ने पहन रखे हैं। शरीफ घराने की बहू हो तो शरीफ घराने की तरह ही कपड़े पहनो। लेकिन इन कपड़ों में क्या बुराई है? बुजुर्गों से जुबान लड़ाते हो? रजिया, तुम लोग अपनी नाक के नीचे ये सब होने देते हो? क्या करें बाजी, अब अगर मेरी बहू होती ना तो इस कमान जैसी लड़की को मैं तीर के जैसे सीधा कर देती। लेकिन मैं तो इसकी सास हूं नहीं। अब आप ही बताइए, बहू को अदब सिखाना, तमीज तहजीब सिखाना, ये तो सास की जिम्मेदारी होती है। मतलब इसकी सास ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर आपको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है, कोई एतराज है, तो प्लीज आप मुझसे ही बात कीजिए। मेरी अम्मी को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सास को सही और गलत की पहचान नहीं है। उसकी बहू सारी दुनिया में अपनी नुमाइश करती फिरती है और उसे बुरा नहीं लगता। सच कहा आपने। मुझे वाकई बुरी नहीं लगती। सास के ये देवर हैं तो बहू तो बेशर्म होगी ही। खुद को अदब नहीं है तो अपनी बहू को खाक सिखाएगी? जी मिस्टर खान, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपकी बीवी ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट डन है, खुश हो जाइए। अच्छा वो सब छोड़िए, आप ठीक तो है ना? सारी अभी ने... ओहो मिस्टर खान, मैं एकदम ठीक हूँ, डोंट वरी। और वैसे भी जब तक मेरे साथ आपकी और अम्मी की सपोर्ट है, मुझे किसी की परवाह नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप इसी तरह फोन पे बातें करते रहेंगे तो काम कैसे खत्म करेंगे? और अगर ऑफिस का काम जल्दी से खत्म नहीं करेंगे तो अपने घर कैसे आएंगे? आप समझ नहीं रही मिसेस खान, वो क्या है ना, मेरी नई नई शादी हुई है और लाख कोशिशें करने के बाद भी काम में दिल नहीं लगता। ओ, तो ये बात है। आप ऐसा कीजिए, आप जल्दी से घर आइए, फिर देखते हैं कि आपकी इस प्रॉब्लम का क्या करना है। आप तो जानते हैं आपकी बीवी के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। खान, मैं आपको फोन करती हूँ। आप क्या कर रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अम्मी के रिश्तेदार आए थे,
और वो मुझसे पूछ रहे थे वो सवाल जवाब, वो आप जो होते हैं वही। क्या होता है? I mean, मुझे कैसे पता? मेरा कोई रिश्तेदार तो है ही नहीं। मेरा मतलब है वो निकाह के बारे में। Heather, please stop it. अरे बट ये तुम्हारा निकाह है, वो क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? बोल तो मुझे नहीं करनी। मैं ऐसे क्यों कहूंगी? तुम मत कहो। एक काम करो, सबको घर पे बुला लो, बोलो आ जाओ आज मेरा निकाह है। जी नहीं, मैं तभी बुलाऊंगी जब मैं निकाह करूंगी, और मैं जल्दी निकाह करूंगी, समझे? जितनी ये तस्वीर पूरी होती जा रही है उतनी ही बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है? एक बार ये तस्वीर पूरी हो जाए तो मैं अपने अब्बू से मिल पाऊंगी, लेकिन कब? आपने इस बंदे की गाड़ी तो बिल्कुल परफेक्ट कर दी, माशाल्लाह। आपके हाथों में तो जादू है मिसेस खान, योर जीनियस। क्या आज मुझे उस फोटोग्राफ का एक और टुकड़ा मिला? आपकी कार के वाइपर में से, जब मैं आपकी कार ठीक कर रही थी। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि आप जब कार रिपेयर कर रही थी तब ये वहां किसी ने रख दी? एग्जैक्टली। और जाहिर सी बात है कि ये काम कोई बाहर वाला इंसान नहीं कर सकता, ये जो कोई भी कर रहा है इसी घर में है, लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे। खान, वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अम्मी, मुमताज भी आपकी बहुत पुरानी सहेली है ना? हाँ, सबसे पक्की और सबसे अच्छी सहेली। वो तो निकाह के बाद वो दुबई चली गई और हमारे इसलिए ना ताल्लुकात थोड़े कम हो गए। फिर यकायक उन्हें आपकी याद कैसे आ गई? बताया था ना, उसकी बेटी को यहाँ इंडिया में कुछ काम है। भाई हमारे रहते हुए होटल में क्यों ठहरेगी? मैंने कहा ये भी तो तुम्हारा अपना घर है, यहाँ रह लेगी उसकी बिटिया। 8 बरस की थी जब देखा था। मैंने सुना है अब तुम बला की खूबसूरत है। हाँ, वहाँ दुबई में मॉडलिंग करती है। अच्छी अच्छी हुस्न परियां ना उसके आगे पानी भरती है। अच्छा? हाँ। अम्मी, इस वक्त हमारी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है और फिर किसी बाहर वाले का आकर हमारे घर पर रहना, नहीं, ठीक नहीं होगा। अरे क्यों ठीक नहीं है? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। लिखत भी हमारे रास्ते से हट चुकी है और बेचारी इतना बड़ा घर, इतनी दौलत हमारे रख के गई है, हमें किस चीज की कमी है अम्मी? मुझे तो लगता है उसे यही आके रहना चाहिए। नहीं, इस बात पे मुझे डाउट है, लेकिन तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है। तुमने बंदे को हुनर दिखाने का मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया।
भी थैंक यू। क्यों? तुमने मुझे वो गिफ्ट दिया ना, उसके लिए। तुम्हें अच्छा लगा? मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने बेड पे रखा है उसे अपने पास। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। तक मुझे अच्छे से पता था कि मैं इसे बिल्कुल सही हाथों में दे रहा हूँ, अपनी चुटकी के हाथों। थैंक यू। मुझे लगता है अब तुम्हें चले जाना चाहिए। क्यों? मुझे लगता है कि मुझे सच में जाना चाहिए। But anyway, have a very romantic dinner with Mr. Khan. All the best. Thank you. I believe आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे ना? No. Oh. I guess मैं गलत घर में आ गई हूँ। Anyways, sorry to disturb you. Bye. Excuse me. आप बिल्कुल सही जगह आई है। हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। Really? अरे खुशबू, मेरी मुमताज की बेटी आज कितनी बड़ी हो गई है। अरे पहचाना ही नहीं। अंदर आओ। आंटी एक मिनट, मेरा बैग। इट्स ओके, मैं लेकर आता हूं। थैंक यू। प्लीज। वैसे अम्मी ने आपके लिए सलाम भेजा है। ओह मुमताज, उससे मिले हुए तो काफी वक्त हो गया। सब खैरियत से है ना? जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, वहीं पे खड़ी रहेंगी या बेटा वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ समीरा, आओ खाने की तैयारी भी करनी है, आ जाओ। बाय द वे, आपकी तारीफ मैं। समीरा समीरा, खुशबू बाकी बातें खाने पे कर सकते हैं, प्लीज। बिल्कुल, मैं खाना लगाती। हाँ बेटे, वो बिरयानी बना लेना, दोनों केसर डाल लेना। चलो मैं बताती हूँ कहाँ रखा है। अम्मी प्लीज, निखत का जिक्र अपनी सुबह पे मत लाइए। हम सबको पता है कि निखत वापस नहीं आ सकती। माना की खुशबू निखत की तरह दिखती है, लेकिन महज ये इत्तेफाक है और कुछ नहीं है। ठीक कह रहे हैं अम्मी, इस लड़की की सिर्फ शक्ल निखत से मिलती है, मिजाज नहीं। कहां वो चुड़ैल पात पात पर घबरा जाती थी, और ये घबराना तो दूर की बात है। मुझे नहीं लगता इस लड़की को किसी की परवाह भी है। मैं तो बस
वेदर, मेरा? आप यहाँ मेरी वजह से लौटे या आपकी छुट्टी की वजह से? कोई बहाना देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको देख लिया है किचन में आपकी प्यारी छुट्टी के साथ खाना बनाते हुए। आपको ये याद रहा कि आपको उसकी हेल्प करनी थी, लेकिन आपको ये याद नहीं रहा कि मैं छत पे आपका वेट कर रही थी। आपको ये याद नहीं रहा कि हम साथ में टाइम स्पेंड करने वाले थे। आपको याद क्यों रहेगा? आपके लिए तो ये जरूरी ही नहीं है, आपके लिए बस जरूरी है आपकी छुट्टी और उसके साथ कुकिंग करना, है ना? फोन चेक कीजिए, मैंने आपको अभी भी मैसेज किया है, पर आप इतने गुस्से में कि आपने देखा ही नहीं। I'm sorry. वो actually गुस्सा और भी प्यारा होता है। आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आप गुस्से में और भी हसीन लगती हैं। चले। You know what? अगर वैरायटी ना हो ना तो दोनों बोरिंग लगते हैं। चिली सॉस पास करेंगी? क्या मैं सादा खाना खा सकती हूँ? वो क्या है ना, मसालेदार खाना खाने से मेरे सीने में जलन होती है। फरान, इससे कैसे खाते हैं? मुझे तो नहीं आता। स्पाइसी फूड। Hey, what happened? आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? आंटी, समीरा बेबी, थैंक यू सो मच, खाना बहुत ही टेस्टी था। थैंक्स। बट यू नो व्हाट, आज मैंने ना खाना एक्स्ट्रा खा लिया है। अब इस वजह से कल जिम पे जाके एक घंटा एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत है। आप इतनी खूबसूरत है और आपका फिगर, आई मस्ट से इट्स परफेक्ट 10। रियली? या, ऑफ कोर्स। हाउ स्वीट। माफ करना जोया, लेकिन इस बार भी तुम्हारे दिल की आरजू पूरी नहीं होगी। अल्लाह, ऐसे दिन किसी को ना दिखा। सब कुछ तो है बेचारी के पास, एक बाप का नाम ही नहीं। किसी पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रही है, यहां से वहां, वहां से यहां। लेकिन बेचारी कहां से लाएगी वो तस्वीर का आखिरी टुकड़ा? क्योंकि कुछ तस्वीरों की किस्मत में तो अधूरा रह जाना ही लिखा होता है। और हम
तुम्हें वो तस्वीर का आखिरी टुकड़ा कभी नहीं लेने देंगे सोया, कभी नहीं। तुम ठीक थी सोया, ये सारा खेल हम ही खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। क्या करें, हमारा दिल ही कुछ ऐसा है, आराम से बैठते हैं ना तो बेचैनी से होने लगती है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि तुम बेवकूफ ज्यादा हो या हम अक्लमंद ज्यादा हैं। वो क्या ये वाजिद, आप कैसे सफाई करते हैं? देखिए यहाँ पे कितना कचरा पड़ा हुआ है, फेंकिए इसे। तुम सोच रही हो कि सोया कि सब कुछ हम तुम्हारे साथ क्यों कर रहे हैं? तो हम तुम्हें बता दे सोया कि इसके पीछे भी एक राज है, बहुत बड़ा राज। हाँ बताएंगे बताएंगे, वो वजह भी तुम्हें बता देंगे, लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा सा तड़पा तो ले। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपना बनाऊंगा, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि अगर आपके अब्बू आपको मुझसे दूर ले गए तो आखिर वो मुझे नहीं चाहते। सोचता हूं कि अगर ना चाहते हुए भी मुझ में वादा खिलाफी का इल्जाम लग गया तो अगर हम अलग हो गए तो आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे अब्बू भी नहीं। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा मौका आया कि मुझे आप दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, मैं डेफिनेटली आपको चुनूंगी। तमाम रिश्ते तोड़कर एक रिश्ता कायम करो, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं। हैदर, अगर अब्बू नहीं माने तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आपसे अलग होने का मतलब अपनी जान से अलग होना है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।